18 अगस्त को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल्स में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में ये आर्टिकल पब्लिश किया था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार की आलोचना करने के लिए कई दावे किए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा और प्रीति गांधी समेत कई यूजर्स ने दावा किया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर एक प्राइवेट स्कूल की है। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए इस दावे को सरासर गलत पाया। हालांकि ये बात यहां ऐसे ही खत्म नहीं हुई। अभी हाल में हरियाणा के पूर्व भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अरुण यादव ने ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक प्राइमरी स्कूल की बताकर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि अगर ये दिल्ली की तस्वीर होती तो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां बन जाती। वायरल तस्वीरों में से एक तस्वीर पर स्कूल का नाम भी लिखा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में गोवा के स्टैंडिंग काउंसिल प्रशांत उमराव और पॉलिटिशियन साध्वी प्राची ने भी ये तस्वीरें ऐसे ही दावे के साथ पोस्ट की। तो क्या वाकई में इस वेल मेंटेन स्कूल के पीछे योगी सरकार के प्रयास है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सर्च किया। हमें अक्टूबर 2016 का वन इंडिया का ये आर्टिकल मिला जिसमें ये तस्वीरें शेयर की गई है। आर्टिकल के मुताबिक स्कूल का कायाकल्प 2015 में प्रधानाचार्य के रूप में कपिल मलिक के पद संभालने के बाद बदल गया था। द लल्लन टॉप ने प्रिंसिपल कपिल मलिक का इंटरव्यू लिया था जिसमें कपिल मलिक स्कूल की स्थिति में हुए सुधार के बारे में ये कहते हैं। कपिल जी, ये स्कूल देखने में प्राइमरी स्कूल जैसा कतई नहीं लगता और लगता है जैसे कि हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में बैठे हैं। कितनी मेहनत की आपने इसके लिए? इसके लिए सर 3 साल 6 महीने लग गए। 2013 अगस्त में मुझे इंचार्ज अध्यापक का कार्यभार मिला। आप कब से हैं इस स्कूल में? 2013 से मैं कार्यभार प्रधान अध्यापक था। 2015 में मैं प्रधान अध्यापक बना। पहले इसमें चार दीवारी नहीं थी, रूम सारे अस्त व्यस्त थे, सारी चीज़ें इधर थी। मात्र 47 बच्चों का नामांकन था और बच्चे 15 आते थे। आज हमारे यहाँ 250 बच्चे आते हैं और 280 बच्चों का नामांकन है। ये आप देख रहे हैं सारी ग्रीनरी, ये सारी मैंने कराई है। बाउंड्री वॉल विभाग से कोई पैसा नहीं मिला है, ये मैंने बनाई है। ये बच्चों के लिए शौचालय, ये मैंने बनाए हैं। ऑफिस ये बनाया है, रसोई बच्चों के लिए तो मैंने बनाई है। सारी ग्रिल जितनी देख रहे हैं आप बाउंड्री पर लगी है। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे स्कूल में। सीसीटीवी कैमरे पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरों से लैस है, क्लास भी और बाहर भी सारा ग्राउंड भी लगे हुए हैं। यहीं से हम किसी से बात कर सकते हैं। स्पीकर लगे हुए हैं सारी क्लासों में। कितनी मदद मिलती है बाहर से, लोगों से, अधिकारियों से? कोई मदद सर अधिकारी से और बाहर से लोगों से नहीं मिली है। सारा आप जो देख रहे हो जितना भी है सब मैंने ही, मतलब आप अपनी कमाई का इस्तेमाल? हाँ सर, ये मैंने अपने ही लगाए हैं 14-15 लाख रुपए। 14-15 लाख रुपए आपने अपने व्यक्तिगत? जी। इसमें आप देख रहे हो सारा इंटरलॉकिंग टाइल्स जो नीचे लगी है जी। ये सारी ग्रीनरी, ग्रीनरी का मुझे शौक है, इतना ही मेरे घर भी है, इससे ज्यादा यहाँ है। ये ग्रीनरी, लेटरिन बाथरूम है, ये सारे मैंने बनाए हैं। तो जो रंग रोगन और जो कुछ बनाना उनाना है वो तो जैसे एक बार का बात है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी हर महीने काफ़ी आती होगी? हाँ सर, हमारे यहाँ माली लगा हुआ है और माली की है और इसमें टूट फूट होती रहती है उसकी है। ये सारा हमें पर्सनली करवाना पड़ता है। मेंटेनेंस में हर महीने कितना? मेंटेनेंस में हर महीने मेरा 5 से 6 हज़ार का खर्चा है। 5 से 6 हज़ार हर महीने? जी, 5 से 6 हज़ार का हर महीने का खर्चा है। क्योंकि नेट का पूरा स्कूल मेरा वाईफाई है, पूरा स्कूल वाईफाई है, वाईफाई है और तो उसमें ही खर्च हो जाते हैं 500-700 रुपये। उसके बाद मेरे माली है और एक मैंने केयर टेकर रखा हुआ है, वो देख रेख करता है इसकी बाद में स्कूल बंद होने के बाद। तो सारे 5-6 हज़ार रुपये तो हमारे इसी में खर्च हो जाते हैं और पूरे साल में हमें 5 हज़ार रुपये रख रखाव के लिए मिलते हैं। ऑल्ट न्यूज ने प्रिंसिपल कपिल मलिक से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि सरकार हर साल स्कूल के रख रखाव के लिए 75,000 रुपये देती है जो कि स्कूल के रखरखाव के लिए पूरी नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि स्कूल की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने खुद 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं और साथ ही हर साल वो अपनी जेब से 50,000 रुपए मेंटेनेंस में खर्च करते हैं। कपिल ने बताया कि ये तस्वीरें 2015 में खींची गई थी। ध्यान दें कि योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में यूपी में सरकार बनाई थी। 2017 में स्कूल को सबसे स्वच्छ स्कूल की मान्यता मिली थी।
वहीं कपिल मलिक को योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार भी दिया था। तो जैसा कि आपने देखा, ये तस्वीरें असल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले की है। वहीं स्कूल की स्थिति में सुधार लाने के लिए और इसके मेंटेनेंस में स्कूल के प्रिंसिपल कपिल मलिक ने अपने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े नेता किसी और की मेहनत का श्रेय योगी सरकार को देने लगे। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले ये तस्वीरें शेयर करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा था कि यूपी की सरकार स्कूल्स में ऐसा बढ़िया खाना देती है, लेकिन जब ऑल्ट न्यूज़ ने तफ्तीश की तो पाया कि स्पेशल खाना सरकार के सहयोग से नहीं बल्कि ग्राम प्रधान और जन सहयोग के कारण बच्चों में बांटा जाता है।